चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में आपका क्या लिखा गया है कि देयर आर फाइव फ्लैट ए बी सी डी ई ऑन ईच ऑफ द फ्लोर ऑफ द थ्री फ्लोर बिल्डिंग। कहने का मतलब है क्या कि आपका तीन फ्लोर वाला बिल्डिंग है, उसमें आपका पांच फ्लैट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग फ्लोर अरेंज कर लेंगे और फ्लैट अरेंज कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे लिखते हैं फ्लोर, फ्लोर थर्ड, और यहाँ लिखते हैं फ्लोर सेकेंड, यहाँ लिखते हैं फ्लोर आपका फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि आपका पांच आपका दिया गया है फ्लैट, फ्लैट का नाम भी आपका ऊपर मेंशन किया गया है स्टेटमेंट में। तो आपका ए बी सी डी और आपका ई आपका दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका जो फ्लैट है वो आपका पांच है और जो आपका फ्लोर है वो कितना फ्लोर है आपका, तीन फ्लोर आपका दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया गया है आपका। ठीक है, तो ये पांच आपका फ्लैट और तीन आपका फ्लोर। फ्लोर जब भी अरेंज होगा तो हम लोग को पता होना चाहिए कि आपका सबसे टॉप फ्लोर पे आपका थर्ड होगा, सेकेंड होगा, फिर आपका सबसे नीचे वाला फ्लैट आपका क्या होगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका वो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या लिखा है, आप देखो क्या क्वेश्चंस में जो मैंने लिखा है यहाँ पे वही आपका स्टेटमेंट भी यहाँ पे बता रहा है। लिखा है क्वेश्चंस में क्या कि वन ऑन ईच फ्लोर द फ्लैट आर सच दैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, बी इज टू द वेस्ट ऑफ सी एंड सी इज टू द वेस्ट ऑफ डी एंड डी इज टू द वेस्ट ऑफ ई। मतलब ए जो है वो बी के वेस्ट में, बी जो है वो सी के वेस्ट में, सी जो है वो डी के वेस्ट में, डी जो है वो ई के वेस्ट में। मतलब कन्फर्म जैसा मैंने लिखा है स्टेटमेंट भी वहाँ पर वैसे ही अरेंज किया गया। ठीक है, अब क्या है मेरा कि अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन आपका पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। जो चीज़ आपका ऊपर वाले से रिलेटेड नहीं होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और जो भी मेरा वीडियो होता है सेटिंग अरेंजमेंट पजल से रिलेटेड, उसमें हम क्या करते हैं कि हम आप लोग को ट्रिकी वे में ले जाना चाहते हैं जिसमें आपका कम पॉसिबिलिटी हो, जल्दी से जल्दी आप लोग का क्वेश्चंस क्या हो बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते क्या है क्वेश्चंस में आपका। क्वेश्चंस आपका कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि द फ्लैट वर्थ 61 लाख वाज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द फ्लैट वाज वर्थ 89 लाख। मतलब कहने का मतलब है कि सारे फ्लैट का आपका कुछ ना कुछ क्या है आपका कॉस्ट है, और उसका सारा कॉस्ट जो है वो डिसाइड करेगा आपका बिल्डर डिसाइड करेगा। तो एक पॉइंट बनाकर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, एक पॉइंट बनाकर कि 61 लाख वाला जो फ्लैट है वो क्या बोल रहा है कि इमीडिएट लेफ्ट में है, किसके 89 वाले फ्लैट के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपके द फ्लैट वर्थ 72 लाख इमीडिएट बिलो द 89, इमीडिएट बिलो द 89, 72 जो है वो 89 वाले के ठीक नीचे है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है ना, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कौन, एंड जो है वो पहले वाले के लिए आता है 81 लाख वाले के इमीडिएट लेफ्ट पे है। कहने का मतलब मेरे पास ये है कि हम आप लोग को बता चुके थे पिछले वाले वीडियो में कि आपका एंड और बट जो है आपका वो पहले वाले पर्सन के लिए आता है, मतलब हिंदी में आपका तथा अथवा लेकिन किंतु परंतु, ये इतने सारा चीज़ जो है आपका वो पहला वाला पर्सन के लिए आता है, और सेकंड वाला पर्सन के लिए आपका इंग्लिश वाले में हु, विच, होम ये सब करके आता है। ठीक है, और हिंदी वाले में जो है सेकंड वाले पर्सन के लिए आपका जो, जिसका, जिसे। तो याद नहीं करना है इसको, बस ये करना है कि जो भी आपका ज से स्टार्ट हो हिंदी में और जो भी आपका डब्ल्यू से स्टार्ट हो इंग्लिश में वो आपका सेकंड वाले पर्सन के लिए होगा, और बाकी सारा जो होगा आपका वो फर्स्ट वाले पर्सन के लिए होगा। ठीक है, तो एंड लिखा था तो एंड हम लोग 72 के लिए लिख दिए, और 72 वाला जो है वो 81 के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा गया, द फ्लैट वाज इमीडिएटली बिलो द फ्लैट 81 लाख, 81 वाला के नीचे जो आपका फ्लैट है वो क्या है, 27 लाख वाले के थर्ड टू द राइट में बैठा हुआ है। थर्ड टू द क्या है आपका, राइट में बैठा हुआ, मतलब 27 लाख वाला जो फ्लैट है उसके थर्ड टू द राइट में कौन बैठा हुआ है, 81 लाख वाले का के नीचे जो फ्लैट है आपका वो आपका बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है कि द फ्लैट वर्थ 91 लाख वाज थर्ड टू द राइट ऑफ फ्लैट 62। कहने का मतलब एक और इन्फॉर्मेशन मिला हमको कि जो आपका 91 है वो 62 वाले के क्या है, दाहिने तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, कौन, 91 लाख वाला। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, एंड वाज इमीडिएटली बिलो द फ्लैट दैट वाज इमीडिएटली राइट ऑफ फ्लैट 36 लाख। कहने का मतलब ये है इसका कि आपका
62 वाले के दाएं तीसरे स्थान पे 91 लाख वाला बैठा हुआ है, और 91 लाख वाले के ठीक ऊपर जो है एंड वाज इमीडिएटली बिलो, ठीक ऊपर मतलब इसके ऊपर भी कोई फ्लैट है और इसके नीचे 91 है, और जो इसके ऊपर जो फ्लैट है वो आपका 36 लाख वाले के ठीक राइट में बैठा हुआ है। ऐसा कहा गया है कि 91 लाख वाला जो फ्लैट है आपका वो 62 लाख वाले फ्लैट के दाहिने तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, और 91 लाख फ्लैट के ठीक ऊपर जो फ्लैट है ना, वो 36 लाख वाले के ठीक दाहिने स्थान पे क्या है आपका बैठा हुआ है, ऐसा लिखा गया है क्वेश्चंस में। उसके बाद मेरा क्या है यहाँ पे कि मेरा दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल हो गया। चलिए हम लोग तीसरे इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं। द फ्लैट वर्थ 42 लाख, जो आपका 42 लाख का फ्लैट है वो 56 लाख वाले फ्लैट के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। मतलब जो आपका 42 लाख वाला जो फ्लैट है वो 56 लाख वाले के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। एंड वाज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फ्लैट 37, मतलब 42 लाख वाला जो फ्लैट है आपका वो 37 लाख वाले फ्लैट के ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो एक और इन्फॉर्मेशन मिला हमको कि 42 लाख वाला फ्लैट 56 लाख वाले फ्लैट के ऊपर बैठा हुआ है, और सॉरी हाँ ठीक है, और 42 लाख वाला जो फ्लैट है वो 37 वाले के ठीक लेफ्ट में आपका बैठा हुआ है। इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। फिर आपका नेक्स्ट वाला क्या है, द फ्लैट वर्थ 35 लाख, मतलब जो 45 लाख वाला जो आपका फ्लैट है वो 34 लाख वाले फ्लैट के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है। मतलब क्या है आपका, जो 35 लाख वाला फ्लैट है वो आपका 34 लाख वाले फ्लैट के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में मेरा एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया है कि वन फ्लैट ऑन द फ्लोर थर्ड वाज वर्थ 64 लाख। मतलब आपका क्या है कि ये फ्लोर थर्ड में एक ऐसा फ्लैट है जो आपका 64 लाख का है, और आपका फ्लोर सेकंड वाले में एक ऐसा फ्लैट है जो आपका 54 लाख का है, ठीक है। तो इतना समझ में आया मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है, नोट एनी फ्लैट एडजैक्टली अबव द एडजैक्टली बिलो मीन्स दैट दे आर हैव सेम फ्लैट नेम ए बी सी डी। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या लिखा है, ड्यू टू लेस डिमांड ऑफ द फ्लैट इन द सिटी, ड्यू टू लेस डिमांड ऑफ द फ्लैट इन द सिटी बिल्डर डिसाइडेड ऑफर स्ट्रेंज डिस्काउंट। मतलब क्या है, कम डिमांड होने के कारण मार्केट में बिल्डर जो है वो एक ऑफर निकालेगा जिसमें आपका डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। वो डिस्काउंट हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब जितना भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, सबको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन स्टार वाला है वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में दिया गया, कौन से स्टार में दिया गया है, ठीक है, और उसको हम लोग इस पर बिठाने का कोशिश करेंगे। अब देखो क्या है कि मेरे पास यहाँ दो फ्लोर का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ दो फ्लोर का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ एक फ्लोर का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ मेरे पास तीन तीन फ्लोर का इन्फॉर्मेशन है, और लगभग मेरे पास चार फ्लैट का इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे पास पांच फ्लैट है ऑलरेडी, तो मेरा सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा, मतलब एक तो श्योर वाला और एक आपका पॉसिबिलिटी, मतलब मेरा दो पॉसिबिलिटी फिगर बनेगा इस पे। तो हम लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग एक पॉसिबिलिटी इसी फिगर पर लेकर देखते हैं। चलो तो अगर इसके ऊपर अरेंज करना है, तीन है आपका, तो मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में यही लिखा था ना, क्वेश्चंस में पहले हम लोग 81 यहाँ लेकर देखते हैं। जैसे ही 81 यहाँ पे लेके देखेंगे तो यहाँ 72 हो जाएगा, 72 के ऊपर ठीक आपका 89 हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 81 वाला का जो ठीक नीचे फ्लैट है वो 27 वाले के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो 27 नंबर वाला फ्लैट भैया यहाँ पे अरेंज हो गया। अब हमको देखना है, क्या देखना है कि हमको दूसरा इन्फॉर्मेशन अरेंज करना, दूसरा इन्फॉर्मेशन की ओर जैसे ही बढ़ेंगे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम लोग अरेंज करना है कि जो इसमें कट सके ये वाला फिगर, या फिर सही होगा तो नहीं कटेगा, अगर सही नहीं होगा तो मेरा फिगर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला अगर इन्फॉर्मेशन उठाते हैं यहाँ से, तो ये 91 जो है वो 62 वाले के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, इसके ठीक ऊपर फ्लैट खाली है, जो खाली है वो 36 वाले के ठीक दाएं बैठा हुआ है। तो यहाँ देखो 1, 2, 3 यहाँ अगर 62 होगा, यहाँ 62 रखेंगे यहाँ पे हम, तो 91 यहाँ, जैसे 91 यहाँ 36 यहाँ फिक्स नहीं होगा, तो ये तो होने वाला है नहीं कन्फर्म, और मेरे पास कोई जगह नहीं। यहाँ एक और 61 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे 91 होगा, यहाँ पे आपका क्या हो सकता है,
36 हो सकता है, लेकिन बात यहाँ ये है कि आपका 42, 37 लाख 56 को भी अरेंज करना है। उसके लिए मेरे पास दो ऊपर कहीं भी कंसेक्यूटिव प्लेस मेरे पास खाली नहीं है। जब ये खाली नहीं है तो ये अरेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है 81 वाला जो पॉसिबिलिटी है डी वाले सेकंड नंबर वाले फ्लोर पे, वो मेरा बिल्कुल गलत है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, हम लोग उसको लेकर चलते हैं और उस पर इसको अरेंज करेंगे, फिर मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो 27 यहाँ लिख लो, यहाँ 27 लिखोगे तो यहाँ 81 हो जाएगा, यहाँ 72 हो जाएगा, यहाँ 89 हो जाएगा, यहाँ 61 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्या है क्वेश्चंस में कि ये वाला इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग लेके चलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेके चलेंगे तो मेरे पास यहाँ 61 तो यहाँ 91 नहीं होगा, मेरे पास और कोई प्लेस नहीं खाली है। आई हैव ओनली वन प्लेस इस वैकेंट, मतलब 62 को यहाँ बिठा देंगे, 1, 2, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। इसके ठीक ऊपर वाला फ्लैट जो है आपका वो 36 के ठीक राइट में बैठा हुआ है। इतना कन्फर्म, जब इतना मेरा कन्फर्म हो गया है तो मेरे पास 4 बॉक्सेस खाली है और यहाँ पे मेरा 3 जो है वो कॉस्ट हमको अरेंज करना है वहाँ पे। तो कॉस्ट अरेंज करना है तो यहाँ 42 और यहाँ 37 लिख देंगे और यहाँ आपका 56 लिख देंगे। ठीक है, तो 56 आपका ये अरेंज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि मेरा ये भी अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया, मेरा ये भी अरेंज हो गया। ठीक है, 35, 34 बस मेरे पास एक प्लेस खाली है भैया, यहाँ पे 35 कर लो और यहाँ पे 34 कर लो। ठीक है, इतना हम लोग अरेंज कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास क्या है कि आपका फ्लोर थर्ड पे का आपका 64 लाख का होने वाला है, तो 64 लाख यहाँ अरेंज करेंगे और फ्लोर सेकंड पे आपका 54 होने वाला है, तो 54 हम लोग यहाँ अरेंज करेंगे। लो भैया, अरेंज हो गया आपका। इतना सारा, इतना बड़ा क्वेश्चन आपका इतना छोटे पॉसिबिलिटी में हम लोग ने क्या किया, अरेंज कर लिया। क्वेश्चंस जितना बड़ा होगा पजल सेटिंग अरेंजमेंट का, उतना ज़्यादा ट्रिकी होगा, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। भले ही थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है ना, थोड़ा तो टाइम जाएगा इसमें, नो डाउट। तो हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर, ऑप्शंस में क्या लिखा गया हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस इसका देखते हैं, ये क्वेश्चंस कैसे लिखा गया। क्वेश्चंस आपका लिखा क्या गया है, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन पहले हम लोग कंडीशन पढ़ ले क्या, कंडीशंस पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ बोथ कार्ड्स, उसके पहले एक और चीज़ दिया गया है कि देयर आर डेक ऑफ 10 कार्ड्स, 10 कार्ड्स का एक गड्डी है विच कॉन्टेन 5 कार्ड ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड का 5 कार्ड है और 5 कार्ड आपका क्लब का है। 2 कार्ड्स आर टू बी पिक्ड एंड डिस्काउंट विल बी द गिवेन एज फॉलो, मतलब आपका 2 कार्ड जो है, या तो 2 आपका डायमंड या तो 2 आपका क्लब जो है वो आपका क्या किया जाता है, लिया जाता है और उसके हिसाब से आपका डिस्काउंट होगा। तो कंडीशंस आपका 4 दिया गया, 4 को पढ़ते हैं, वो फॉलो करना है क्वेश्चंस पे और आंसर आपके हाथ में। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन लिखा गया है कि इफ़ द बोथ कार्ड पीक आर ऑफ डायमंड देन द कॉस्ट ऑफ फ्लैट ऑन फ्लोर थर्ड बिकम इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्लैट ऑन फ्लोर 1 एंड फ्लोर नंबर 2। कहने का मतलब है कि अगर आपका 2 डायमंड कार्ड फेंका गया है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपका थर्ड नंबर वाला का जो फ्लैट का जो कॉस्ट होगा वो पहला और दूसरा को जोड़ के क्या करना है, एवरेज निकाल के थर्ड नंबर वाले का कॉस्ट हो जाएगा। चलो ये समझ में आ गया। तो कंडीशंस हम लोग क्या करेंगे, कम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि जिस कंडीशन का ज़रूरत होगा हमको हम लोग वही कंडीशन पढ़ेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए, लिखा है इफ़ द बोथ कार्ड, क्वेश्चन नंबर टेन आपका दिया गया, इफ़ द बोथ कार्ड पिक्ड आर डायमंड, मतलब दोनों कार्ड अगर आपका डायमंड पिक्ड हो गया है, ठीक है, देन व्हाट इज द सम ऑफ ए फ्लैट ए फ्रॉम थर्ड फ्लोर एंड सी फ्रॉम आपका फर्स्ट फ्लोर, मतलब सम पूछ रहा है, सम आपका पूछ रहा है, किसका किसका पूछ रहा है, ए का थर्ड फ्लोर और प्लस सी का फर्स्ट फ्लोर का आपका सम पूछ रहा है, कब ये अप्लाई होने के बाद, डिस्काउंट वाला ऑफर अप्लाई होने के बाद। तो कंडीशन क्या है आपका कि दोनों कार्ड आपका कौन सा दिया गया है इसमें, दोनों कार्ड आपका डायमंड का, तो पहला वाला हम लोग कंडीशंस पढ़े थे उसमें भी यही चीज़ दिया गया था, ये बोथ कार्ड पिक्ड आर डायमंड, तो तीसरा वाला जो होगा आपका, तीसरा वाला का जो होगा कॉस्ट होगा वो दोनों का एवरेज होगा। तो हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे यहाँ से। अब ए का थर्ड मांग रहा है तो ए का थर्ड का हम लोग को पूरा नहीं निकालना, हम लोग को पूरा निकालेंगे मेरा टाइम वेस्ट चला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बस एक का निकालेंगे, ए का थर्ड यही होने वाला है आपका, तो ए का थर्ड होने वाला है, तो ये 56, 62
है ना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 56 और ये 62, 628, 6511, 118 हो रहा है, ठीक है। 118 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 59 आने वाला है, मतलब इसका जो हो जाएगा वो ए का थर्ड फ्लोर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सी का फर्स्ट यहाँ देखेंगे। तो सी का अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या है आपका, सी के फर्स्ट के बारे में तो कोई बातचीत नहीं किया गया मेरे से, तो सी का फर्स्ट आपका क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि सी का फर्स्ट है। चेंज तो हम लोग को थर्ड में करना था ना, पहला और दूसरा को जोड़ के क्या करना था हमको, उसका एवरेज निकाला था, लेकिन सी के थर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 35 हम लोग देखेंगे और दोनों को जोड़ कर हम लोग देखेंगे, ये आपका 94 आर, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 94 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या लिखा गया, लिखा क्या गया है, इफ द बोथ कार्ड पिक द डायमंड, मतलब सॉरी, इफ द बोथ कार्ड आर पिक ए क्लब, क्लब का दोनों कार्ड लिया गया, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फ्लैट ई, ई का फर्स्ट फ्लोर डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, तो फिर बी का सेकंड फ्लोर, बी का क्या है सेकंड फ्लोर, हमको डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे कैसे, वो आपका दोनों कार्ड आपका है कौन सा, दोनों कार्ड आपका कौन सा है, ये आपका कार्ड है क्लब का, ठीक है। तो कंडीशन देखेंगे कौन सा कार्ड बोल रहा है, इफ़ द बोथ कार्ड्स आर पिक्ड आर ऑफ क्लब्स देन द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट फ्लोर विल बिकम हाफ देयर करेंट कॉस्ट, मतलब आपका फर्स्ट फ्लोर का जो कॉस्ट है वो क्या है आपका, हाफ हो जाएगा जो उसका करेंट कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट फ्लैट ऑफ दैट फ्लोर, सॉरी ये नहीं है, कंडीशन कौन था मेरा, हाँ कार्ड। उसके बाद क्या लिखा गया, एंड फ्लोर टू वाला जो है वो 20 लाख रिड्यूस कर दिया जाएगा, 20 लाख क्या किया जाएगा रिड्यूस, मतलब पहले वाले फ्लोर में आपका क्या किया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और इस वाले में 20 लाख क्या कर दिया जाएगा आपका, माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें आपका 20 लाख माइनस कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, ई का फर्स्ट फ्लोर चाहिए मेरे को, तो ई का फर्स्ट फ्लोर लेंगे, तो ई का फर्स्ट फ्लोर आपका क्या हो जाएगा, बी का सेकेंड, तो ई का आपका फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा क्या 17, 34 का हाफ करेंगे 17 हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि आपका बी का सेकंड फ्लोर, तो बी का सेकंड फ्लोर 54 में से 20 लाख माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 34, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मेरा बच रहा है यहाँ पे 17 लाख हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये वाला भी क्वेश्चन मेरा सक्सेसफुल रहा, एकदम निशाने पे तीर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट कार्ड पिक इज डायमंड एंड सेकंड कार्ड पिक्ड इज क्लब, मतलब पहला कार्ड आपका डायमंड होना चाहिए, दूसरा कार्ड आपका क्या होना चाहिए, क्लब होना चाहिए, ठीक है। कोई तो आपका कंडीशन नंबर 4 देखो, इफ द फर्स्ट कार्ड इज डायमंड एंड द सेकंड कार्ड इज क्लब देन द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर विल बी इंटरचेंज, मतलब पहला और तीसरा वाला जो कॉस्ट होगा वो क्या कर दिया जाएगा आपका, इंटरचेंज कर दिया जाएगा। तो इंटरचेंज जैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ सी, सी का थर्ड फ्लोर और आपका ई का फर्स्ट फ्लोर, हम लोग क्या करेंगे एक्सचेंज करना है। तो सी का थर्ड फ्लोर आपका 35 है ना, तो 35 यहाँ पे फर्स्ट है और ये आपका 61, एक्सचेंज होगा 35 आ जाएगा, एक्सचेंज होगा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करना है ई का फर्स्ट फ्लोर माइनस करना है, तो ई का आपका फर्स्ट फ्लोर कौन सा हो जाएगा, ई का आपका फर्स्ट फ्लोर देख लो, ई का आपका फर्स्ट यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला एक्सचेंज होगा थर्ड वाले से, तो ये 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 29 आने वाला है, 29 लाख आपका हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशंस आपका दिया गया है। तो क्या करो, इस क्वेश्चंस को दोबारा बनाओ और देखो मेरे से कितना अटैम्प्ट हो रहा है, कितना मेरा सही हो रहा है। देखो भैया, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का, और जब तक मेहनत करोगे नहीं सफलता हाथ लगेगा नहीं। तो ये एकदम मन में बिठा लो कि अगर पढ़ना है, अगर मुझे पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं हासिल होने वाला है, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या कहने वाले थे कि आप क्या करो, इस क्वेश्चंस को इतना फैलाओ
कि लोगों तक पहुंचे, लोगों को फ़ायदा मिले, लोगों लोग इसको बनाएं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि आप इसको शेयर करो, और जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको क्वेश्चंस चाहिए, जो भी आपको चैप्टर चाहिए, वो क्या करो, कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट शेयर करो, मेंशन करो कि सर मेरे को ये पढ़ना है ना, रीजनिंग या फिर मैथ में आपको जो भी अच्छा लगे, है ना। और सारी चीज़ का हम लोग क्या करें, वीडियो लेकर आ रहे हैं, और भी कुछ सारा सब्जेक्ट है जिसका वीडियो बहुत जल्द हम लोग के चैनल पे आने वाला है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।